सन 1980, दिल्ली का एक हॉस्पिटल। 15 साल का एक लड़का खामोश खड़ा था। उसके पिता अभी अभी गहरी नींद में सोए थे, कभी ना उठने के लिए। लड़के ने धीरे से मां को उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकला। इंतजार करके ड्राइवर कब का जा चुका था। लड़के ने मां को गाड़ी में बिठाया। रास्ते भर दोनों चुप थे। घर के सामने जब गाड़ी रुकी तो जैसी मां सदमे से जागी, पूछा, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? लड़का बोला, बस अभी। उस नाजुक उम्र में जिसे खुद पर इतना यकीन हो, वही तो बन सकता है हिंदी सिनेमा का बेताज बादशाह शाहरुख खान। अपने अब्बू को बिजनेस की नाकामियों से टूटते देखा था शाहरुख ने। शायद यहीं से पैदा हुआ था अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून। एक दिन शाहरुख को पापा फिल्म दिखाने ले गए, पर पैसे कम पड़ गए। पापा ने मूंगफली खरीदी, सड़क किनारे बैठ गए और बोले, ये आती जाती गाड़ियां कितनी प्यारी लगती हैं, आज हम इन्हें ही देखेंगे। उस दिन ना सही, पर जिंदगी शाहरुख को फिल्मों से बहुत दूर नहीं रख पाई। शाहरुख जब फौजी सीरियल में कैप्टन अभिमन्यु राय के रूप में दिखे तो सीधे दिलों में उतर गए। पर शाहरुख के बड़े सपने छोटे पर्दे पर कहां समा सकते थे। उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई में दीवानों की तरह स्ट्रगल करने के बावजूद शाहरुख को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर आया एक नेगेटिव रोल जिसे कई एक्टर्स ना कर चुके थे, पर हीरो बनने आए शाहरुख के लिए यह रोल भी एक मौके से कम नहीं था। उन्होंने हां कर दी। दीवाना सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद सलमान की ना की हुई बाजीगर और आमिर की छोड़ी हुई डर के नेगेटिव किरदारों को हिंदी सिनेमा में एक नई जगह दी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद रोमांस का बादशाह, ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख ही कर सकते थे। उसके बाद हर तरह के किरदारों में अपने बेजोड़ पैशन नायाब अंदाज से शाहरुख जान डालते चले गए। शायद इसीलिए शाहरुख के चाहने वालों को हर बार एक नया ही शाहरुख नजर आता है। सालों पहले अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने मुंबई आए शाहरुख ने समंदर के सामने खड़े होकर जोश में कहा था, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। शायद शाहरुख का किंग खान बनना उसी दिन तय हो गया था।